हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की, गलत जानकारी देने का आरोप लगाया, नामांकन रद्द करने की मांग। बीजेपी प्रत्याशी गबानियल हेब्रम ने कहा चुनाव आयोग मामले पर करे कार्रवाई, हेमंत सोरेन का रद्द किया जाए नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी ने हेमंत सोरेन पर लगाए 3 आरोप, गलत उम्र बताने का आरोप लगाया, जमीन और पत्नी के नाम पर कार से जुड़ी है शिकायत। जेएमएम प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री का बयान, 10वीं के सर्टिफिकेट में लिखी है हेमंत सोरेन की उम्र 49 साल, डरी हुई है बीजेपी। रांची में बोले कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा, बीजेपी लगाती आई है इस तरह के आरोप, इस बार चुनाव में खिसकी हुई है बीजेपी की जमीन। झारखंड में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की हेमंत सोरेन पर कार्रवाई की मांग, का कानून के हिसाब से कार्रवाई हो, बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा, हेमंत सोरेन से डरी हुई है बीजेपी, झारखंड में बीजेपी के पास नेता नहीं है। बीजेपी नेता प्रदीप सिन्हा ने कहा चुनाव आयोग की कार्रवाई पर हमारी नजर, हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखने की जरूरत है। कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा ने जीत का दावा किया, कहा कि बीजेपी की साख बचाने के लिए लगातार झारखंड आ रहे हैं बीजेपी के नेता। झारखंड बीजेपी में बगावत रोकने की कोशिश, झारखंड चुनाव के बीजेपी सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने की बागी बीजेपी नेता सत्यानंद झा से मुलाकात। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अंबा प्रसाद का चुनावी अभियान, लोगों से की मुलाकात। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।